नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ट्यूटोरियल में स्वागत है आप सभी का। पर्यावरण पारिस्थितिकी से आज नए चैप्टर को मैंने शुरू किया है जिसका नाम है भारत एवं जलवायु परिवर्तन, इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज। तो उससे हम कुछ प्रश्नों को तैयार किए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न है, इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है, तो कथन देखते हैं पहले। IPCC की चौथी और पांचवी रिपोर्ट के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन द्वारा अधिक प्रभावित होने का खतरा है। दूसरा है, भारत को जलवायु परिवर्तन से होने वाले संभावित परिवर्तनों के कारण एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। ये दोनों कथन है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। IPCC की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो उष्णकटिबंधीय, तो भारत इससे कैसे अछूता रह सकता है। तो यहां भी जलवायु परिवर्तन से मतलब बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। और ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये जो है काफी संवेदनशील है, तो जलवायु परिवर्तन के लिए इससे अधिक प्रभावित होंगे ये। तो ये IPCC की रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों कथन ही बिल्कुल सही है कि भारत को भी इसका खतरा, बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन द्वारा अधिक प्रभावित होने का खतरा है, और ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, प्रधानमंत्री के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन स्तर विकसित देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन स्तर से कभी ऊपर नहीं जाएगा, एवं भारत निम्न उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बने रहने का प्रयास करेगा। भारत जो है क्या करेगा, भारत की जो प्रधानमंत्री है उनके अनुसार यह है कि जो भारत का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन स्तर है, जो भारत क्योंकि विकासशील देश है और जो विकसित देश है उनका जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन स्तर है उससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, और भारत निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था बने रहने का प्रयास करेगा, ये पहला कथन। दूसरा है, भारत उत्सर्जन कटौती के बाध्यकारी लक्ष्यों को अपना नहीं सकता। क्यों नहीं अपना सकता ये देखिए, क्योंकि गरीबी उन्मूलन की अनिवार्यता और हर मानव का वैश्विक संसाधनों पर समान अधिकार। तो ये दोनों कारण है कि ये उनके जो बाध्यकारी लक्ष्य है उनको अपना नहीं सकता है, तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसमें क्या करना है हमें, इन कथनों में से हमें सत्य कथन का चयन करना है। वर्ष 2011 और 12 में सुरेश तेंदुलकर समिति के आंकड़ों के अनुसार 21.9% जनता अभी भी गरीबी रेखा के नीचे एवं 24% लोगों तक बिजली नहीं पहुंची थी, ये पहला कथन है। दूसरा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि आर्थिक वृद्धि के लिए गरीबी को कम करना आवश्यक है। तीसरा कथन है, वर्ष 2019 में जारी ग्लोबल कार्बन एटलस रिपोर्ट 2019 में जारी के अनुसार वर्ष 2017 में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में चीन प्रथम स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर है। तो 2019 में जो ग्लोबल कार्बन एटलस रिपोर्ट है उसके अनुसार 2017 में जो प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन था उसमें चाइना फर्स्ट पे था, सेकंड पे यूएसए था और थर्ड पर भारत है, ये तीसरा कथन है। चौथा है, मानव विकास सूचकांक और ऊर्जा खपत के बीच दृढ़ संबंध है, अतः भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपनी प्रति व्यक्ति खपत को पर्याप्त रूप से बढ़ाए एवं भारतीय जनता को समुचित विकास हेतु आवश्यक दिशाएं उपलब्ध कराए। तो ये सभी कथन है और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। भारत का जो प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन है वो वर्तमान स्तर में काफी कम है, अभी वर्तमान में इसका जो स्तर है कार्बन एमिशन का, कार्बन उत्सर्जन का, वो प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन बहुत ही कम है, निम्न स्तर है उसका, ये ध्यान रखिएगा। और ये चारों कथन जो मैंने बताए, उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही है कि जो सुरेश तेंदुलकर समिति की आंकड़े थे 2011 और 12 में उसके अनुसार 21.9% जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है, 24% लोगों तक बिजली नहीं पहुंची थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, आर्थिक वृद्धि के लिए गरीबी को कम करना, आर्थिक वृद्धि तभी होगी जब भी गरीबी को कम किया जाएगा, और तीसरा ये था कि 2019 में ग्लोबल कार्बन एटलस रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि 2017 में जो पर व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन था उसमें चाइना फर्स्ट पे था, सेकंड पे यूएसए था और थर्ड पर कौन था, भारत था। मानव विकास सूचकांक और ऊर्जा खपत के बीच दृढ़ संबंध होता है और भारत के लिए आवश्यक है कि वो अपनी प्रति व्यक्ति खपत को पर्याप्त रूप से बढ़ाए, क्योंकि भारत का जो अभी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन है वो वर्तमान स्तर जो उसका है काफी कम है,
इसलिए कह रहा है कि भारत के लिए आवश्यक है कि वो अपनी प्रति व्यक्ति खपत को पर्याप्त रूप से बढ़ाए और भारतीय जनता को समुचित विकास हेतु आवश्यक दिशाएं उपलब्ध कराए। और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के राष्ट्रीय संचार नेटकॉम द्वारा भारत के जलवायु मानदंडों में महसूस किए गए परिवर्तनों का समेकन किया गया है, तो ये जो ऊपर कथन दिया गया है इसके अनुसार जो समेकन किया गया है तो समेकन कैसे हुआ है, ये कथन दिया गया है, हमें बताना है कौन से कथन इसके संदर्भ में सही है कि भारत के राष्ट्रीय संचार नेटकॉम द्वारा भारत के जलवायु मानदंडों के मानदंडों में महसूस किए गए परिवर्तनों का समेकन किया गया है, तो वो जो परिवर्तन हुए उसका समेकन कैसे किया गया। तो पहला देखते हैं सतह का तापमान, तो यानी कि पहला जो समेकन हुआ वो सतह के तापमान से मेजर किया गया, तो देखते हैं इसमें क्या है। सतह का तापमान में राष्ट्रीय स्तर पर पिछली शताब्दी में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई। पश्चिमी तट के किनारे मध्य भारत, अभ्यांतर प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर भारत में जहां ताप वृद्धि की है ताप वृद्धि की प्रवृत्ति है, वहीं उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के भागों में कमी के लक्षण दृष्टिगोचर हुए हैं। तो जो ये सतह का तापमान है, इसमें सतह के तापमान में राष्ट्रीय स्तर पर जो पिछली शताब्दी में कितना 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है, और ये कैसे देखा गया कि जो पश्चिमी तट के किनारे और मध्य भारत और अभ्यांतर प्रायद्वीप है और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर तापमान में वृद्धि देखी गई, जबकि जो उत्तर पश्चिम भारत है और दक्षिण भारत के भागों में इनके तापमान में कमी देखी गई है। तो ये पहला कथन है। दूसरा है पश्चिमी तट और उत्तरी आंध्र और उत्तर पश्चिम पश्चिमी तट और उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा ऋतु के समय वर्षा में वृद्धि, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और गुजरात और केरल के कुछ भागों में मौसमी वर्षा में कमी आई है। तो दूसरा जो समेकन हुआ वो किससे हुआ, वर्षा से। तो वर्षा में क्या कह रहा है कि पश्चिमी जो तट है और उत्तरी आंध्र प्रदेश है और उत्तर पश्चिम भारत है, वहां पर वर्षा ऋतु के समय क्या हुआ कि वर्षा में वृद्धि हुई, लेकिन जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और पूर्वोत्तर भारत है और जो गुजरात और केरल के कुछ भाग है वहां पर मौसमी वर्षा में कमी देखी गई है। तो ये दूसरा कथन है। तीसरा है तटीय भागों में भीषण तूफान में समग्र वृद्धि पाई गई है परंतु उड़ीसा में कमी पाई गई है, ये तीसरा कथन है। चौथा है उत्तरी हिंद महासागर में तटीय ज्वार भाटा के द्वारा समुद्र स्तर के प्रतिवर्ष 1.06 से 1.75 मिलीमीटर के बीच वृद्धि हो रही है। तो ये सभी कथन थे और ये किसके संदर्भ में थे कि जो भारत के जो राष्ट्रीय संचार द्वारा जो भारत में जलवायु मानदंड में जो चेंजेस देखे गए उसका जो समेकन किया गया वो इसी आधार पे किया गया कि सतह का तापमान उस और जो वर्षा का ये है कि वर्षा कहाँ पे ज्यादा हुई है कहाँ पे कम और जो विषम मौसमी घटनाएं हुई हैं और जो समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है, हिमालय ग्लेशियर पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो इन्हीं सबसे ये सब मेजर किया गया है। तो ये सभी कथन बिल्कुल सही है कि सतह का तापमान वर्षा में कहाँ पे चेंजेस आए हैं, जो विषम मौसमी घटनाएं जो हुई हैं, समुद्री जल स्तर में जो वृद्धि हुई है, हिमालय ग्लेशियर पर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें क्या करना है हमें, असत्य मतलब बताना है कौन सा गलत है। तो पहला कथन है जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ता है। ये कह रहा है जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है गरीब लोगों पर पड़ता है। दूसरा है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है, इसीलिए विकास और गरीबी उन्मूलन जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सबसे बेहतर विकल्प है। जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये बोला है कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है, इसीलिए विकास और गरीबी उन्मूलन यानी विकास और जो गरीबी को कम करना ही जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। और हमें असत्य कथन का चयन करना था, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, ना तो पहला ना ही दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का जलवायु परिवर्तन हेतु समझौता वार्ताओं में सक्रिय योगदान है। भारत का जो जलवायु परिवर्तन में सक्रियता रही है और जो समझौता और वार्ताएं हुई है उस पर सक्रिय योगदान रहा है। इसके संदर्भ में देखते हैं क्या क्या किया है भारत ने।
UNFCCC के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के उद्देश्य से भारत ने अप्रैल 22, 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किया। पहला ये है कि UNFCCC के अंतर्गत क्या किया कि ग्रह हरित गैसों में कमी लाने के उद्देश्य से ही भारत ने 22 अप्रैल 2016 को क्या किया, पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किया। पहला ये कथन है। दूसरा है, भारत समझौता वार्ता पर साझा कार्यक्रम विकास हेतु चीन और G77 के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत है। भारत जो है समझौता वार्ता पर साझा कार्यक्रम विकास के लिए ही चाइना और G77 के साथ सक्रिय रूप से कार्यरत है। तीसरा है, UNFCCC को वित्त और प्रौद्योगिकी वानिकी एवं अन्य क्षेत्रों पर कई प्रस्तुतीकरण जैसे प्रौद्योगिकी एवं विकास हेतु एक तंत्र की सलाह, जलवायु परिवर्तन हेतु वित्तीय उपलब्धता हेतु सलाह और रेड प्लस हेतु व्यापक दृष्टिकोण के लिए एक प्रस्तावना का प्रस्तुतीकरण आदि। तो ये सब जो है क्या कर रहा है कि भारत जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जो समझौता वार्ता है उसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। तो ये भी एक इसका योगदान था कि UNFCCC को क्या कर रहा है, वित्त और प्रौद्योगिकी वानिकी और अन्य क्षेत्रों पर कई प्रस्तुतीकरण जैसे प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए एक तंत्र की सलाह देना और जलवायु परिवर्तन हेतु क्या कर रहा है, वित्तीय उपलब्धता हेतु सलाह दे रहा है, रेड प्लस के लिए व्यापक दृष्टिकोण के लिए प्रस्तावना का प्रस्तुतीकरण आदि। तो ये सब कर रहा है। चौथा कथन है, एनेक्स वन देशों द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि में उत्सर्जन कटौती हेतु एक संयुक्त प्रस्तावना को प्रस्तुत करने हेतु चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका एवं 33 अन्य देशों के साथ काम किया है। तो एनेक्स वन देश जो है उनके द्वारा ही क्या कर रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल की जो द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि थी उसमें उत्सर्जन कटौती के लिए जो संयुक्त प्रस्तावना को प्रस्तुत करने के लिए क्या कर रहा है, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका और 33 अन्य देशों के साथ काम किया भारत ने। तो ये सभी कार्य भारत ने किए और इन सब क्षेत्रों में ये सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहा है और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, सतत विकास मार्ग के द्वारा आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सतत विकास मार्ग के द्वारा ही आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है, भारत के प्रधानमंत्री ने सन 2008 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की। तो भारत के जो पीएम रहे हैं उन्होंने क्या किया है, 2008 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। तीसरा कथन है, भारत के विकास और अनुकूलन और उपशमन संबंधी जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशनों को शुरू किया गया है और ये जो 8 राष्ट्रीय मिशन है उसमें से कुछ उपशमन से रिलेटेड है और कुछ अनुकूलन से रिलेटेड है। तो ये 8 जो है राष्ट्रीय मिशनों को शुरू किया गया है, भारत के विकास अनुकूलन और उपशमन संबंधी जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, उसी के लिए इसने 8 राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया है। चौथा कथन है, समुद्री स्तर में वृद्धि और कमी के सम्मिलित प्रभाव से जल निकास की समस्या एवं औषधीकरण में वृद्धि जैसे परिणाम उत्पन्न होंगे, साथ ही गंगा ब्रह्मपुत्रा में तटीय अपरदन और भूमि क्षरण होगा। ये जो समुद्री स्तर है उसमें वृद्धि या कमी होगी तो दोनों ही सम्मिलित रूप से प्रभाव क्या होगा, जल निकास की जो समस्या, अवसादीकरण में वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब जल में अवसादीकरण होगा तो इससे क्या होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो तट है उसका अपरदन और भूमि क्षरण होगा। तो ये समस्याएं हो सकती है। तो ये सभी कथन थे और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। ये जो 8 राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया गया है उनमें से है राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन। ये 8 मिशन है। तो इनको भी एक बार देख लेते हैं हम,
इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, इसके तहत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को जनवरी 2010 में शुरू किया गया। ये जो राष्ट्रीय सौर मिशन, इसके संदर्भ में कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन यही है कि इसी के तहत राष्ट्रीय सौर मिशन की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को जनवरी 2010 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करना, जिसे अब 100 गीगावाट कर दिया गया तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहले क्या था, 2022 तक 20 था, लेकिन अभी से क्या कर दिया गया है, 100 गीगावाट कर दिया गया। स्टार्ट कब किया गया था, 2010 में। दूसरा कथन है, सौर मिशन का दूसरा पहलू अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू करना है। इसका दूसरा पहलू क्या था कि अनुसंधान यानी जो रिसर्च होता है, और विकास यानी डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू करना, और जो अधिक सक्षम और सुविधाजनक सौर ऊर्जा तंत्र सृजन को समर्थ बना सके। तो ऐसे अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को शुरू करना जो अधिक सक्षम हो, सुविधाजनक सौर ऊर्जा तंत्र सृजन को समर्थ बना सके। चौथा कथन है, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के दायरे में विस्तार की आवश्यकताओं को स्वीकार करने हेतु कुल ऊर्जा में सौर ऊर्जा के योगदान को महत्वपूर्ण देने हेतु इसे लाया गया है। ये सभी कथन थे और ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ये जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका लक्ष्य आप ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट कब किया गया, 2010 में, और ये 2022 तक 20 गीगावाट था, लेकिन अभी इसे 100 गीगावाट कर दिया गया है। ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये शमन पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न हो गया और इसके बारे में देख लिया हमने, उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहली बात, ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी शमन से ही रिलेटेड है, शमन पर आधारित है। तो पहला कथन पहले हम देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 केंद्र सरकार में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और राज्यों में नमूदिष्ट संस्थानिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा बचत उपायों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी आदेश मुहैया कराता है। ये क्या करता है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, इसमें हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 जो है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, उसमें केंद्र सरकार में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और राज्यों में नमोदिष्ट संस्थानिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा बचत उपायों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी आदेश मुहैया कराता है। दूसरा कथन है, अगस्त 24, 2009 को प्रधानमंत्री परिषद ने इस मिशन को मंजूरी दी तथा इस हेतु 4 नई पहलों को लागू किया जाएगा। और ये भी बोला गया कि इसके लिए, इस मिशन के लिए 4 नई पहलों को लागू किया जाएगा। किस मिशन के लिए, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन के लिए। तीसरा कथन है, ऊर्जा बचत प्रमाणीकरण के माध्यम से अधिक ऊर्जा खपत वाले बड़े उद्योगों और सुविधाओं में ऊर्जा बचत संबंधी सुधारों की लागत प्रभाविता को बढ़ाने के लिए बाजार आधारित तंत्र की स्थापना, जिसके माध्यम से व्यापार किया जा सके। तो तीसरा यह है कि ऊर्जा बचत प्रमाणीकरण के माध्यम से ही अधिक ऊर्जा खपत वाले जो बड़े उद्योग और सुविधाओं के ऊर्जा बचत संबंधी सुधारों की लागत प्रभाविता को बढ़ाने के लिए ही बाजार आधारित तंत्र की स्थापना करना, और जब ये बाजार आधारित तंत्र की स्थापना होगी तो उसी के माध्यम से व्यापार किया जाएगा। तो ये तीसरा कथन था। और ये जो इन्होंने ये बोला था कि 4 नई पहलों को शुरू किया जाएगा, तो ये भी इसी में शामिल है कि पहला तो ये था कि ऊर्जा बचत का प्रमाणीकरण और ये जो है बाजार आधारित तंत्र। और अगला कथन है, उत्पादों को अधिक सुलभ बनाने हेतु नए उपायों के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों में। और यही जो इन्होंने बोला था कि 4 नई पहलों को, तो उनमें से ये भी एक है कि उत्पादों को अधिक सुलभ बनाने हेतु नए उपायों के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों में ऊर्जा बचत उपकरणों का प्रयोग में तीव्रता तथा ऐसे तंत्र का प्रयास जो भावी ऊर्जा बचत अधिग्रहण द्वारा सभी क्षेत्रों में वित्त मांग प्रबंधन कार्यक्रमों में सहायता करें। तो एक और ये भी था इसमें उपायों में कि उत्पादों को अधिक सुलभ बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, नए उपाय,
और के माध्यम को चिन्हित किया, चिन्हित क्षेत्रों में क्या किया कि ऊर्जा बचत उपकरण का प्रयोग करके उन्हें और तीव्र किया जाए और ऐसे तंत्र का प्रयास जो कि भावी ऊर्जा बचत अधिग्रहण द्वारा सभी क्षेत्रों में वित्त मांग प्रबंधन कार्यक्रमों को सहायता दे सके। और अगला कथन है कि ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय साधन विकसित करना, और इसको बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साधन विकसित करना। तो ये सभी किसके संदर्भ में कथन थे? राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। और ये सभी कथन बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसे 24 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री परिषद ने इस मिशन को मंजूरी दी थी और 4 नई पहलों को शुरू लागू किया जाएगा। तो ये जो है सब इसके संदर्भ में थे और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। देखिए जितने भी मिशन शुरू किए गए हैं ये हमेशा ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और इनका उद्देश्य क्या है। ये दो चीजें अगर याद है किससे रिलेटेड हैं ये, तो प्रश्न अपने आप ही अच्छे से हो जाएगा, उसका उत्तर आप सही से दे पाएंगे। अगला है, ये कुछ कथन दिए गए हैं हमें बताना है किससे रिलेटेड है। भवनों में ऊर्जा बचत सुधारों, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और सुनिश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन को अपनाने तथा पर्यावास को सतत बनाने हेतु इसे शुरू किया गया, यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला कथन यह है। दूसरा है, यह तीन पहलों के माध्यम से शहरी नियोजन और शहरी नवीकरण के एक घटक के रूप में ऊर्जा बचत को बढ़ावा देता है। तीसरा है, नए और बड़े व्यापारिक भवनों की ऊर्जा मांग को अनुकूलतम बनाने हेतु ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को मौजूदा भवनों पर लागू कर इसका उपयोग और विस्तार किया जाएगा। चौथा कथन है, सामग्री एवं शहरी अपशिष्ट पुनर्चक्रण का प्रबंधन पारिस्थितिकीय रूप से सतत आर्थिक विकास का एक प्रमुख घटक होगा। जैव रसायन रूपांतरण, अपशिष्ट जल उपयोग, सीवेज उपयोग एवं पुनर्चक्रण विकल्पों पर ध्यान हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को शामिल करना। अगला है, सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग हेतु दीर्घावधिक परिवहन योजना बनाना। ये सभी कथन और हमें बताना है किससे संबंधित है। ये राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन से संबंधित ये सारे कथन थे। और ये जो राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन है ये किसके अंतर्गत आता है, ये जो मिशन है ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्या करेगा, ये भी कई बार पूछ सकता है कि ये जो इन्होंने ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है ये किससे रिलेटेड, तो यही सतत, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, ये जो कोड है इसमें क्या होगा, भवन निर्माण जो होंगे तो उसमें इस कोड का यूज किया जाएगा। तो भवनों पर लागू होगा, इसका उपयोग विस्तार किया जाएगा और ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। भवनों में ऊर्जा बचत सुधार, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, सुनिश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन को अपनाने और पर्यावास को सतत बनाने हेतु इसे शुरू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये राष्ट्रीय जल मिशन, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, हमें बताना है कौन से कथन सही है। तो राष्ट्रीय जल मिशन के संदर्भ में देखते हैं, राज्य के अंदर एवं बाहर और अधिक उचित जल वितरण सुनिश्चित कराने हेतु लागू किया जाएगा, यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय जल मिशन। इसे राज्य के अंदर और बाहर अधिक उचित जल वितरण सुनिश्चित कराने के लिए लागू किया गया है। 6 अप्रैल 2011 को मंजूरी दी गई। यह राष्ट्रीय जल नीति के उपबंधों का पालन करेगा, यह राष्ट्रीय जल नीति जो है उसके उपबंधों का पालन करेगा। जल उपयोग बचत को 20% बढ़ाकर जल उपयोग को युक्तिसंगत बनाने हेतु एक फ्रेमवर्क विकसित करेगा। तीसरा कथन है, शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण भाग अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। वे तटीय क्षेत्र जिनके पास अपर्याप्त वैकल्पिक जल स्रोत है उनकी जल आवश्यकता को नई और उचित प्रौद्योगिकी को अपनाकर
पूरा किया जाएगा तथा वर्षा और नदी बहाव में परिवर्तनशीलता से निपटने हेतु राज्यों के परामर्श पर राष्ट्रीय जल नीति को संशोधित करना, ये भी इसमें शामिल है। अगला कथन है, इसमें वर्तमान सिंचाई प्रणाली की कुशलता को बढ़ाने की अपेक्षा की गई है, वाटर न्यूट्रल अथवा वाटर पॉजिटिव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और भूमिगत जल स्रोतों को रिचार्ज करने एवं सिंचाई कार्यक्रम को प्रोत्साहन हेतु प्रोत्साहन ढांचा तैयार करना, प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन ढांचा तैयार करना, ये सभी कथन थे। और राष्ट्रीय जल मिशन के संदर्भ में ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये अनुकूलन पर आधारित है, ये अनुकूलन पर आधारित है। और ये किसके अंतर्गत आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 6 अप्रैल 2011 को इसे मंजूरी दी गई थी। ये जो है राष्ट्रीय जल पॉलिसी जो थी, नेशनल वाटर पॉलिसी, उसके उपबंधों का पालन करेगा, 20% बढ़ाएगा बचत को, जल उपयोग की बचत को 20% बढ़ाना है, और युक्तिसंगत जल उपयोग को युक्तिसंगत बनाने के लिए इसे इस फ्रेमवर्क विकसित करेगा, शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकता को एक महत्वपूर्ण भाग जो अपशिष्ट जल है उसका पुनर्चक्रण रिसाइकल करेगा, रिसाइकल द्वारा उसे सुनिश्चित करेगा, और तटीय क्षेत्र जिनके पास अपर्याप्त वैकल्पिक जल स्रोत है उनकी जल आवश्यकता को नई और उचित प्रौद्योगिकी को अपनाकर पूरा किया जाएगा इसके अंतर्गत, और वर्षा और नदी बहाव में परिवर्तनशीलता से निपटने के लिए क्या करेगा, राज्यों के परामर्श से क्या करेगा, राष्ट्रीय जल पॉलिसी को संशोधित करेगा। और इसमें क्या है, जो ये सिंचाई प्रणाली है उसकी कुशलता को बढ़ाने का भी बात किया गया है, न्यूट्रल और वाटर पॉजिटिव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा, भूमिगत जल स्रोत जो है उनको रिचार्ज करना, सिंचाई कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, ये सब के लिए एक ढांचा तैयार करना, तो ये सभी इसका कार्य होगा। और सभी कथन बिल्कुल सही है, ये अनुकूलन पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जल मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। पहला, हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन को 28 फरवरी 2014 में मंजूरी दी गई। ये कह रहा है कि हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन को 28 फरवरी 2014 में मंजूरी दी गई। दूसरा, हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय पारितंत्र को बनाए रखने और उनके सुरक्षा हेतु प्रबंधन के उपाय विकसित कराने के लिए यह शुरू किया गया। अगला है, दक्षिण एशियाई देशों और हिमालयी पारिस्थितिकी के साथ भागीदार देशों के साथ सूचना का आदान प्रदान करना, ये भी इसमें शामिल है। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में अपरदन और भूमि अवक्रमण को रोकने और संवेदनशील पारितंत्रों का स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु 2/3 क्षेत्रों को वनावरण के अंतर्गत रखना, तो ये सभी इसके हिमालय पारितंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है उससे संबंधित ये सभी कथन थे। जो कि ये जो हिमालय पारितंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वो कब शुरू किया गया, 28 फरवरी 2014 को मंजूरी मिली थी इसे, 28 फरवरी 2014 को मंजूरी दी गई थी। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है। हिमालय के हिमनद और पर्वतीय पारितंत्र को बनाए रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्रबंधन के लिए उपाय और विकसित कराने के लिए यह शुरू किया गया था। साउथ एशियाई जो देश है, दक्षिण एशियाई देश हैं, जो उन्हें हिमालयी पारिस्थितिकी के साथ भागीदार देशों के साथ सूचना का आदान प्रदान करना, ये भी इसमें शामिल है। पर्वतीय क्षेत्रों में अपरदन और भूमि अवक्रमण को रोकने के लिए संवेदनशील पारितंत्रों का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए और 2/3 क्षेत्रों को वनावरण के अंतर्गत रखना, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। पहला है, जैव विविधता हाइड्रोलॉजिकल सेवाओं के साथ पारिस्थितिकी सेवाओं में सुधार करना, ये पहला कथन है। दूसरा है, 20 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को मंजूरी दी गई, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन है इसको मंजूरी कब दी गई, 20 फरवरी को, और ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला कथन है, मिशन के कुल परिव्यय में केंद्र और राज्य का अनुपात 75:25 है,
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90-10 रखा गया है। चौथा कथन है, प्रधानमंत्री ने पहले ही 5 मिलियन हेक्टेयर में वनीकरण हेतु हरित भारत अभियान की घोषणा की है। वर्तमान वन एवं वृक्षावरण से क्षेत्र 24.39 है। प्रधानमंत्री ने पहले ही क्या किया है कि 5 मिलियन हेक्टेयर अगले 10 वर्षों में, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कितने वर्षों में, तो अगले 10 वर्षों में 5 मिलियन हेक्टेयर में वनीकरण हेतु हरित भारत अभियान की घोषणा कर दी है। और वर्तमान में जो वन और वृक्षावरण क्षेत्र है वो सबको पता होगा, आप सबको 24.39% है, तो याद रखिएगा। अगला है, वन में एवं आसपास रहने वाले 3 लाख परिवारों की वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि करना, ये भी इसका लक्ष्य है। तो ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। और ये किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैव विविधता, हाइड्रोलॉजिकल सेवाओं के साथ पारिस्थितिकी सेवाओं में सुधार करना, ये भी इसका काम है। इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है 75:25 है, 75:25 है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके लिए क्या है, 90:10 रखा गया है। तो ये सभी कथन थे, किससे रिलेटेड थे? राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन से संबंधित थे, और ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।